temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit Many people look to many things for the direction. बहुत से लोग जो हैं, वो मार्गदर्शन के लिए बहुत सी दूसरी चीजों को देखते हैं. People look to friends and to relatives and elders for direction and for guidance. और बहुत से लोग जो हैं, अपने रिश्तेदारों पर या अपने दोस्तों पर या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी ओर मार्गदर्शन पाने के लिए अपेक्षा से देखते हैं. But everyone is a human being. लेकिन हर एक जो है वो तो मनुष्य ही है. They don't know what will happen tomorrow. वो नहीं जानते हैं कि कल क्या होगा. I don't know what happens tomorrow. मुझे पता नहीं कि कल क्या होगा. Even the most wise man, he also doesn't know what happened. और यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान मनुष्य जो है वो भी नहीं जानता है कि कल क्या होगा. People can give good advice out of their experience and it's good. लोग अपने अनुभवों से आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं और मैं कहूंगा कि ये एक अच्छी बात है. And you can learn a lot from people's experience. और आप लोगों के अनुभव से बहुत कुछ सीख सकती हैं. And we should not be too proud that we don't listen to people's advice. We should take advice. और हमें इतना घमंडी नहीं होना है कि हमें लोगों की सलाह नहीं सुननी है. नहीं, हमें तो निश्चय लोगों की सलाह को सुनना चाहिए. But today I want to talk about looking unto Jesus. लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु की ओर देखने के बारे में. Looking steadfastly unto Jesus. बिल्कुल दृढ़ता से यीशु की ओर देखते रहना. We find a passage in Psalms 123 verse 1 and 2. भजन संहिता 123 वचन 1 और 2 में हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन भाग को देखते हैं. One says, unto thee lift I up my eyes, O thou that dwellest in the heavens. वचन एक कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आँखें तेरी ओर लगाता हूँ. And verse 2 says, behold, as the eyes of the servant looks unto the hand of the master, and as the eyes of the maiden to the hand of her mistress, so our eyes wait upon the Lord our God until he have mercy upon us. देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह न करे. You know, it's such a great thing that you can focus your eyes on him and expect things from him. देखिए, तो सच में महान बात है कि आप अपनी आंखें उसकी ओर लगाकर रख सकते हैं और निश्चय ही आप उससे अपेक्षा भी कर सकते हैं. God is the only one who knows the end from the beginning. परमेश्वर ही है जो अंत को बिल्कुल शुरू से ही जानता है. He knows every day of your life that is ahead of you. आपके सामने आपके जीवन में एक एक दिन वो उसे अच्छे से जानता है. In fact, the word of God says. और सच में परमेश्वर का वचन कहता है. While I was in my mother's womb, all my members were written in your book, every one of them before even I was formed. जबकि मैं अपनी माता के गर्भ में था, मेरे बारे में सारी जानकारी तू जानता था. मेरे बनाए जाने के पहले से ही तू मुझे अच्छे से जानता है. The knowledge of God is beyond our understanding. परमेश्वर का जो ज्ञान है वो तो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, उससे बिल्कुल बढ़कर है. He knows till the end of your life what you'll be doing and what he wants you to do. He knows it already. वो आपके जीवन के अंत तक जानता है कि आप क्या करेंगे और आपको क्या करना है, वो पहले से ही जानता है. So he would be the best person to guide you perfectly. और बिल्कुल सही तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए वही तो सबसे उत्तम व्यक्ति है. David says, I lift up my eyes unto him who dwells in the heavens. दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें उसकी ओर उठाता हूँ जो स्वर्ग में विराजमान है. Keep our eyes on God. अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रखें. And we will be discussing how we can keep our eyes on Him. और हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम अपनी आंखें उसके ऊपर लगाकर रख सकते हैं. The second one verse says that as the eyes of a servant looks to the hand of the master. और दूसरा वचन कहता है कि जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर होती है, उस तरह से. Or as the eyes of the maidens look to the hand of the mistress. या जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है. So our eyes will look upon you. वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की ओर लगी रहेगी. And we will see how this is possible. और हम देखेंगे कि ये जो बात है किस तरह से संभव है. It's important for us to understand this. और इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. So that we don't make a mistake in our
the direction where we look, we don't make a mistake. और इसलिए जिस मार्गदर्शन को हम पाना चाहते हैं, उसे पाने में हम कोई गलती न कर सके. So the word of God also says. परमेश्वर का वचन ये भी कहता है. Cursed is the man who puts his hope in man and the strength of the arm is a cursed man. और श्रापित है वो व्यक्ति जो अपनी आशा मनुष्यों पर लगाए रखता है और मनुष्य के हाथों के बल पर अपनी आशा लगाए रखता है, वो व्यक्ति तो श्रापित है. But blessed is the man whose hope is in the Lord. लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जिसकी आशा परमेश्वर पर लगी है. So now we'll just see what it means to like a servant putting his eyes on the master, how we can do the same thing. अब देखिए इस बात को हम देखेंगे कि जैसे दास अपने स्वामी के हाथों की ओर देखते रहता है, हम इसे कैसे कर सकते हैं. The first thing that we keep our eyes on God is for his direction. सबसे पहली बात जिसके लिए हम परमेश्वर की ओर देखते रहते हैं वो है मार्गदर्शन पाने के लिए. For his guidance. ये तो उसके मार्गदर्शन के लिए है. He knows what is ahead of you. वो जानता है कि आपके आगे क्या है. And he can give you the best guidance. और वो आपको सबसे उत्तम मार्गदर्शन दे सकता है. When Joshua was bringing the people of Israel into the land of the promised land. और जब यहोशू इस्राएली लोगों को वहाँ पर प्रतिज्ञा के देश में लेकर आ रहा था. They were about to cross the Jordan River. और वो तो बस यर्दन नदी को पार करने ही वाले थे. 40 years they had been wandering in the desert. 40 साल तक वो यहाँ पर जंगल में भटक रहे थे. Because God said, none of you will enter the promised land because of your hardness of your heart and the stiffness of your neck. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे दिल की कठोरता के कारण और तुम्हारी गर्दन की कठोरता के कारण तुम में से कोई भी उस प्रतिज्ञा के देश में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा. The whole generation or that generation died in the wilderness. और वो जो सारी पीढ़ी थी वो तो जंगल में ही मर गई. Now the new generation was going to cross over into the promised land. और अब ये जो नई पीढ़ी है वो वहाँ पर प्रतिज्ञा के देश में आने वाली थी. So he told them an instruction. तो उसने उन्हें यहाँ पर निर्देश दे दिया. He said, let the ark of the covenant go before you into the water. और उसने कहा कि वाचा का संदूक तुम्हारे आगे पहले वहाँ पर पानी में जाए. And keep a distance between you and the ark. और तुम और उस वाचा के संदूक के बीच में दूरी रखना. Because you have not passed this way before. क्योंकि ऐसे इस तरह से तुम इसके पहले कभी नहीं गए थे. And you don't know the way. और तुम इस मार्ग को नहीं जानते हो. So let the ark of God lead you. और इसलिए परमेश्वर का ये वाचा का संदूक तुम्हारी अगुवाई करे. This is the same thing for us. और यही हमारे लिए भी है. We are living through this life. We have not gone this way before. हम इस जीवन में जी रहे हैं और पहले कभी इस मार्ग में से होकर नहीं गए हैं. Every day is a new day. हर एक दिन नया दिन होता है. We make mistakes. We suffer for it. हम गलतियां करते हैं, उसके लिए दुख उठाते हैं. But if we keep that distance and keep our eyes on the presence of God and looking unto Him, He will guide you. लेकिन अगर हम उस दूरी को रखें, परमेश्वर की उपस्थिति पर अपनी आंख लगा कर रखें, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा. We are also going to the promised land. और हम भी प्रतिज्ञा के देश में जा रहे हैं. And that promised land is heaven where God dwells. और ये प्रतिज्ञा का देश तो स्वर्ग है जहाँ पर परमेश्वर रहता है. And we are on a journey. और हम एक यात्रा में हैं. And we have not gone this way before. और हम पहले कभी इस मार्ग से नहीं गए हैं. Every day is a new day. हर एक दिन नया दिन होता है. Every decision is a new decision. हर एक निर्णय नया निर्णय होता है. But when we keep your eyes on Jesus. लेकिन जब हम अपनी आंखें यीशु पर लगाए रहते हैं. Follow him. उसके पीछे चलते रहते हैं. We will be able to reach the promised land. तो निश्चय ही हम प्रतिज्ञा के देश में पहुंच जाएंगे. God is always ready to guide you. परमेश्वर हमेशा आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार होता है. He wants to lead you. वो आपकी अगुवाई करना चाहता है. Because he knows that we do not know the way ahead of us. क्योंकि वो जानता है कि हम हमारे सामने के मार्ग को नहीं जानते हैं. He knows that we don't know where the pot holes. He knows that we don't know anything. वो जानता है कि हमें पता नहीं कि गड्ढे कहाँ पर, उसे पता है कि हमें कुछ भी पता नहीं है. And he wants to direct us so that we'll avoid the pot hole. और वो हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है ताकि हम उन गड्ढों से बच जाएं. But we must learn to keep our attention on him. लेकिन हमें सीखना होगा कि अपना ध्यान उसके ऊपर लगाए रखें. Looking steadfastly to him for direction. और मार्गदर्शन के लिए हमेशा हम उसी की ओर देखते रहें. 8th verse of 32nd chapter of Psalms and verse 8 says, I will instruct you and teach you in the way that you should go. I will guide you with my eye. भजन संहिता 32 वचन 8 इस तरह से कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा. मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा. ऐसे भजन 32:8 कहता है. God has promised that he was going to instruct us and teach us. परमेश्वर ने वादा किया है कि वो हमें निर्देश देगा और वो हमें शिक्षा देगा. But those who keep their eyes steadfastly fixed on him, they will be the ones who will be able to make the right decisions. लेकिन वही लोग जो अपनी दृष्टि उस पर लगाए रखते हैं, केवल वही लोग अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे. The next verse, verse 9, gives us a warning. और वचन 9 में एक चेतावनी देता है. Don't be like the horse or like the mule which have no understanding,
whose mouth must be held in with a bit and a bridle, lest they come near unto thee. तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के, इस तरह से वचन कहता है। You know, when you look to God for guidance, don't be like a horse. और जब आप परमेश्वर की ओर देखते मार्गदर्शन के लिए, तो फिर आप घोड़े के समान न बने। Horse is always willing to run. He wants to run ahead of everybody. घोड़ा जो है हमेशा दौड़ना चाहता है, सबसे आगे दौड़ना चाहता है. Impatient. और उसमें कोई भी धीरज नहीं होता है. He wants to run ahead. वो आगे दौड़ना चाहता है. Hasty decisions. वो बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेना चाहता है. And the mule on the other hand. और देखिए दूसरी ओर जो खच्चर होता है. It doesn't move at all. वो तो बिल्कुल आगे बढ़ता ही नहीं. It's so slow and so lazy. और वो तो बहुत ही धीमा होता है और बहुत ही आलसी होता है. The direction is finishing and is not moving at all. और मार्गदर्शन जो है वहाँ पर वो खत्म होने पर आ रहा है, लेकिन ये तो आगे हटने को खाली नहीं है. So the Bible says, "Don't be like a horse or the mule." बाइबल कहती है कि न तुम घोड़ों के समान बनना, न खच्चर के समान बनना. Don't be too hasty or don't be too slow. तुम जल्दबाजी में ना होना और ना ही तुम बहुत ही धीमे होना. Wait for the Lord's guidance and when He guides you, obey, walk in it. परमेश्वर के मार्गदर्शन की राह देखना, जब वो आपका मार्गदर्शन करता है तो आप उसकी आज्ञा माने और उसमें चलते चले जाएं. God is always willing to guide those who wait for Him. परमेश्वर की राह देखने वालों के लिए परमेश्वर हमेशा उनका मार्गदर्शन करना चाहता है. The Bible promises. बाइबल इसका वादा करती है. That those who wait for Him. कि जो उसकी राह देखते रहते हैं. They will mount up with wings like eagles. वो तो उकाबों के समान ऊंचा ऊंचा उड़ते चले जाएंगे. They will walk and they will not be weary. वो तो चलेंगे और थकेंगे नहीं. They will run, they will not faint. और वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, इस तरह वचन कहता है. Keep your eyes steadfastly on the Lord. अपनी आंखें आप निरंतर परमेश्वर की ओर लगा कर रखें. For His direction. उसके मार्गदर्शन के लिए. And He will definitely direct. और निश्चय ही वो आपका मार्गदर्शन करेगा. Because the Bible says. क्योंकि बाइबल कहती है. Ask and it shall be given to you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. Seek and you shall find. ढूंढो तो तुम पाओगे. Knock it shall be opened unto you. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा. So when you ask the Lord for His guidance, He will guide you. और जब आप परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं, तो निश्चय ही वो आपका मार्गदर्शन करता है. But we must be patient for His guidance. लेकिन हमें उसके मार्गदर्शन के लिए पूरी तरह से धीरज रखना है. And spend much time in the presence of God, fast and pray. और उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में हमें ज्यादा समय बिताते जाना होगा. And wait till He says, till He gives you clear guidance, wait. और जब तक कि वो आपको मार्गदर्शन न दे, उस समय तक आप उसकी राह देखते रहें. We make hasty decisions because we think He's taking too much time. हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो बहुत ज्यादा समय ले रहा है. And we think that he's delaying the time and that the opportunity is going away. That's what we think. और हम सोचते हैं कि इसमें बस समय ऐसे ही खर्च हो रहा है और जो मौका है वो तो चले जाएगा, इस तरह से हम सोचते हैं. God knows whether that particular thing was right for you or not. He knows. परमेश्वर जानता है कि वो जो बात है वो आपके लिए सही है या नहीं है, वो अच्छे से जानता है. If it has gone away, obviously God didn't want you to go in that direction. और अगर वो चली गई तो निश्चय परमेश्वर नहीं चाहता था कि आप उस दिशा में जाए, इस बात को आप पक्की तरह से जान लें. He has a better plan for you. उसके पास आपके लिए बहुत ही उत्तम योजनाएं हैं. That's where you need to have the faith that God has best plans for your life. और इसीलिए तो आपको विश्वास रखना होगा कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास सबसे उत्तम ऐसी योजनाएं हैं. God has promised. परमेश्वर ने इसका वादा किया है. I know the plans I have for you. मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखी हैं, उन्हें मैं जानता हूँ. Plans for good and not for evil. वो तो तुम्हारी हानि की नहीं, लेकिन तुम्हारी भलाई की योजनाएं हैं. To give you an expected end, a good end. कि मैं तुम्हें आशा का अंत या भलाई का अंत दे सकूं. So we must have the faith that God will put us in the right path and guide us the right time. हमें निश्चय विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें सही मार्ग में मार्गदर्शन करेगा और बिल्कुल सही समय पर हमें रखेगा. So that's the first thing that we need to fix our eyes on Him is for His direction. और देखिए सबसे पहली बात यही है कि हमें अपनी आंखें उस पर लगाए रखनी है और वो तो उसकी ओर से मार्गदर्शन पाने के लिए ही है. The second thing, as servants look to their master, what is the second thing we can do? और दूसरी बात, जो सेवक अपने स्वामी के हाथों की ओर देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? For the supply that He can give you. और वो तो इस बात के लिए कि वो आपको कौन सा प्रयोजन दे सकते हैं. Many years ago. बहुत बहुत साल पहले की बात है. As a doctor, we think that okay, we'll work and we'll earn our money and support ourselves. और एक डॉक्टर होने के नाते हम सोचते हैं कि ठीक है, मैं काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा और मेरे लिए सारी बातें अच्छी होगी. और एनी बिजनेसमैन, सो आई विल डू माय बिजनेस, आई विल गेट इनफ एंड आई विल सपोर्ट माय सेल्फ, इट्स माय वर्क. या कोई भी व्यापारी हो तो यही सोचता है कि हाँ, मैं व्यापार करूंगा, अच्छे से पैसा कमाऊंगा और मेरे काम के लिए मेरे जो पैसे हैं काफी होंगे. वंस गॉड स्पोक टू मी वन डे. लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बातें की. इट्स नॉट योर डिग्रीज. उसने कहा, ये तुम्हारी डिग्रियां नहीं हैं.
It's not your ability. ये तुम्हारी योग्यता नहीं है. My grace which will supply your needs. मेरा अनुग्रह तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा. Very often we don't realize that. अक्सर हम इस बात को नहीं समझते हैं. When we have a lot of degrees and a lot of abilities, we think that we are doing it ourselves. जब हमारे पास में बहुत सी डिग्रियां होती है, बहुत सी योग्यताएं होती है, तो हम सोचते हैं ये सब कुछ तो मैं खुद करते जा रहा हूँ. We think that our own ability is helping us. और हम सोचते हैं कि ये तो हमारी खुद की योग्यता है जो हमारी मदद करते जा रही है. For example, I am a doctor. उदाहरण के लिए कहिए कि मैं एक डॉक्टर हूँ. I know that if anything goes wrong with any patient. और मैं जानता हूँ कि जब भी किसी पेशेंट में कोई भी बात गड़बड़ा जाती है. Or if you're operating and some complication comes, this will be very dangerous. They put a lawsuit on you and you lose everything. और अगर आप किसी को ऑपरेशन कर रहे हैं और वो बहुत ही खतरनाक ऐसी बात हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर देते हैं. And you can lose everything. और आपने जो कुछ भी पाया सब खो सकते हैं. All your degrees will not help you that time. और उस समय आपकी कोई भी डिग्री काम में नहीं आएगी. It is because of God's grace that you have all the supplies because of His grace. और ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके कारण आपके पास में ये सारा स्रोत उपलब्ध है. The book of James it says, don't say that I will go to this country and that state and I will do business and make some money. Don't say that. याकूब की पत्री इस तरह से कहती है कि तुम ये न कहना कि मैं इस देश में चले जाऊंगा या उस राज्य में चले जाऊंगा और व्यापार करूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा. इस तरह से तुम न कहना. But he says rather you say that if it is God's will, I will do this. लेकिन इस जगह ये कहना कि अगर ये परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं ये करूंगा. Very often we make our own plans. और कई बार तो हम खुद अपनी योजनाएं बना लेते हैं. We think we are supplying our own needs. हम सोचते हैं कि हम खुद अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं. It's not. लेकिन ऐसा नहीं है. Because of His grace that you're able to work and you're able to earn and supply your needs is because of His grace. ये तो बस उसी के अनुग्रह के कारण है कि आप काम कर रहे हैं, आप अपने लिए प्रयोजन कर पा रहे हैं. ये सब कुछ केवल उसके अनुग्रह के कारण ही हुआ है. In Matthew chapter 6 verse 11. मत्ती अध्याय 6 वचन 11 में हम देखते हैं. When Jesus was teaching his disciples on prayer. जब यीशु जो है अपने चेलों को प्रार्थना के बारे में सिखा रहा था. One of the points he mentioned was, "Give us this day our daily bread." वहाँ पर उसने एक बात उन्हें बताई कि इस तरह से प्रार्थना करो कि तू आज की रोटी हमें दे. Very often we don't even think about our daily bread as coming from God. और अक्सर हम कई बार सोचते भी नहीं कि हमारी जो प्रतिदिन की जो रोटी है, ये तो परमेश्वर की ओर से आ रही है. If God has not blessed the work of your hand, you won't have any daily bread. अगर परमेश्वर ने आपके हाथों के कामों पर आशीष नहीं दी होती, तो आपके पास रोज की रोटी नहीं होती. If God has not blessed you with good health to do the business, you will not have any. अगर परमेश्वर ने आपको अच्छी तंदुरुस्ती नहीं दी होती कि आप व्यापार कर सके, तो आपके पास कुछ भी नहीं होता. If God didn't give the intelligence to make the right decisions in your business, you won't have anything. अगर परमेश्वर ने आपको बुद्धिमत्ता नहीं दी होती कि आप अपने व्यापार में बिल्कुल सही निर्णय ले, तो आपके पास कुछ भी नहीं होता. God is the one who has blessed you that you're able to have all your needs met. परमेश्वर ही है जिसने आपको आशीष दी है और उसके कारण ही आपकी सारी जरूरतें पूरी हुई है. In Romans chapter 8 verse 32. रोमियो अध्याय 8 वचन 32 में हम इस तरह से देखते हैं. The Bible says. बाइबल इस तरह से कहती है. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? इस तरह से रोमियो 8:32 कहता है. God will give us all our needs. He'll supply every need because of Jesus. परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा. प्रभु यीशु के कारण सारी जरूरतें पूरी करेगा. In Philippians chapter 4 verse 19. फिलिपियो अध्याय 4 वचन 19 इस तरह से कहता है. Paul tells the believers in Philippi, "My God shall supply all your needs according to His riches in Christ." पौलुस यहाँ पर फिलिपियों के विश्वासियों से कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा. फिलिपियो 4:19 में वो कहता है. Many people are so worried about their supply, their daily supply. They are worried. बहुत से लोग जो अपने प्रतिदिन के प्रयोजन के लिए बहुत चिंता करते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं. It is true that many people are struggling. और ये बात तो सच है कि बहुत से लोगों को इसके लिए बहुत ही कश्मकश होती है. Maybe they do not know the principles of God's kingdom. शायद हो सकता है कि वो परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को नहीं समझते हैं. Maybe you are struggling in your supply because you are not generous in your own life. और देखिए, आप अपने स्रोतों में इन सारी बातों के लिए दुख इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आप अपने जीवन में उदार नहीं हैं. The principle of God's kingdom is when you give, God will give back to you. परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत यह है कि जब आप देते हैं तो परमेश्वर आपको वापस देता है.
measure you give to the kingdom of God, that measure God will give back to you. जिस नाप से आप परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, उसी नाप से परमेश्वर आपको वापस देता है. If you are struggling financially, अगर आप आर्थिक रूप में मुश्किलों का सामना करते हैं, sow a good seed into the ministry of God where the gospel is being preached. Sow a good seed into it. Give a good amount of money. आप परमेश्वर की सेवकाई में अच्छा बीज बोए, जहाँ पर सुसमाचार प्रचार होता है, वहाँ पर परमेश्वर की सेवा के लिए दान दें. Whatever you can give, आप जो कुछ भी दे सकते हैं. If you don't have much, give whatever you can. अगर आपके पास ज्यादा नहीं, तो जो कुछ भी आप अपने पास रखते हैं, उसे दे. But plant it like a seed and say, God, I want a harvest of financial freedom. लेकिन आप इसे बीज के जैसे बोएं, आप कहें कि परमेश्वर मैं इसे बोता हूं और इसके लिए मुझे आर्थिक आजादी चाहिए. I want freedom from these debts that I have. मेरे ऊपर ये जो सारे कर्जे हैं, उससे मैं आजादी चाहता हूं. Maybe you have not been giving your tithes. शायद हो सकता है कि आप अपने दशमांश नहीं दे रहे हो. Maybe you are not giving offerings to God. शायद आप परमेश्वर को भेंट नहीं दे रहे हो. So in other words, you are robbing God. दूसरे शब्दों में आप परमेश्वर को लूट रहे हैं, वचन कहता है. His money you are not giving to him. उसका पैसा आप उसे नहीं दे रहे हैं. The one tenth belongs to him, not to you. दसवां भाग तो उसी का है, वो आपका नहीं है. When we are generous in the to give to the kingdom of God, God will be generous to you and supply all your need. जब हम परमेश्वर के राज्य में देने के लिए उदार हो जाते हैं, तो परमेश्वर आपको देने के लिए बहुत उदार होता है और आपकी हर एक जरूरत वो पूरी करते चले जाता है. The more stingy you are, the less you will get from God. आप जितने ज्यादा कंजूस होंगे, उतना ही परमेश्वर से आप कम पाएंगे. There is no place for stinginess in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में कंजूसी के लिए कोई भी जगह नहीं होती है. God loves a cheerful giver, the Bible says. बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है उदार देने वालों से प्रेम करता. You can give your way out of your debts. आप अपने कर्जे में रहते हुए भी बड़ी उदारता के साथ प्रभु के लिए दे सकते हैं. People, when they are in debts, they become very tight. और जब लोग कर्जे में होते हैं, वो बिल्कुल कस जाते हैं, वो अपने हाथ को बिल्कुल कस कर रखते हैं. And it's just the opposite. They'll try to save every paisa. और देखिए, बिल्कुल उल्टा होकर वो हर पैसा बचाना चाहते हैं. And they won't give anything to God. और वो परमेश्वर को कुछ भी नहीं देते हैं. Then the source of supply, you're cutting it off. तो देखिए, जिसके कारण आपको मिल रहा है, आप उस स्रोत को ही यहाँ पर बंद कर देते हैं. Servant looks unto his master. You look to God for your supply, not to the people. एक दास जैसे अपने स्वामी की ओर देखता है, आप परमेश्वर की ओर देखते जाएं, अपने स्रोतों के लिए आप मनुष्यों की ओर न देखते जाएं. The Bible says God owns the cattle on a thousand hills. बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है, वो तो हजारों पहाड़ों के जानवरों का मालिक है, वो इतना महान है. He owns the wealth in every mine. और हर एक खदान में जो भी धन संपत्ति है, सबका वो मालिक है. He owns the whole universe. वो पूरे संसार का, ब्रह्मांड का मालिक है. In Matthew chapter 6 and verse 25, there's a very interesting passage. देखिए, मत्ती अध्याय 6 वचन 25 में यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प ऐसा वचन है. Jesus was talking to his disciples. यीशु यहाँ पर अपने चेलों से कह रहा था. He said in verse 25, therefore I say unto you, don't take thought for your life, what you shall eat, what you shall drink, and what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body more than raiment? वचन 25 में यीशु अपने चेलों से कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे. क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? इस तरह से मत्ती अध्याय 6 वचन 25 में यीशु ने कहा. And then he goes on to say that the birds of the air, they don't do any work, but God feeds them. और फिर आगे वो कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो कोई काम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर निश्चय उन्हें भोजन देता है. He says the flowers of the field, they are better dressed than the king himself. और वो कहता है कि जो मैदान में घास के जो फूल होते हैं, वो तो राजा ने अपने महिमा में सबसे अच्छे वस्त्र पहने, उससे भी उत्तम है. And so he says, if God so much takes care of those birds and clothes those flowers, how much more he'll take care of you. और फिर आगे वो कहता है कि जब परमेश्वर ये जो पक्षी है और जो घास का जो फूल है, उसकी इतनी परवाह करता है, तो तुम्हारी क्यों नहीं करेगा. Matthew chapter 6 verse 31. मत्ती अध्याय 6 वचन 31 देखिए. Therefore take no thought saying, what shall we eat or what shall we drink or how shall we be clothed. और इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे. Verse 32 says, for after all these things the Gentiles seek, but your heavenly father knows that you have need of all these things. वचन 32, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है. And the important verse is verse 33, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. वचन 33 महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, ये कहता है. And verse 34 says, take no thought therefore for tomorrow. Tomorrow will take care of itself. Sufficient for the day is the evil thereof. वचन 34 कहता है, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, वचन कहता है.
God knows your need even before you ask him. आपके मांगने के पहले परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है. God will supply your need if your eyes are fixed on him like a servant to the master. जैसे एक दास की आंखें अपने स्वामी के हाथ पर लगी रहती है, अगर आप उसी तरह से परमेश्वर की ओर निहारते रहते हैं तो परमेश्वर आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा. A servant in the house, he will not look to the guests who come for their help. He will look to the master for his supply. देखिए, यहां पर जो घर का दास होता है, वो मेहमानों की ओर अपेक्षा से नहीं देखता, वो तो अपने स्वामी की ओर अपेक्षा से देखता है कि वो उसके लिए प्रयोजन करेगा. Look to the master, look to God, your father, he will supply your need. आप स्वामी की ओर देखें, अपने प्रभु परमेश्वर की ओर देखें, वही तो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा. I'll close it for today. आज के लिए मैं यहां पर संदेश खत्म करना चाहता हूं. But I want to ask you. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं. Are you a servant of God? क्या आप परमेश्वर के दास हैं? Or are you outside the kingdom of God? या फिर आप परमेश्वर के राज्य से बाहर हैं? Anyone who accepts Jesus Christ becomes a servant of God. हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है, वो परमेश्वर का दास हो जाता है. All the people who have faith in Jesus Christ, who put their trust in Him, will become the children of God, the servants of God. हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखता है, वो परमेश्वर के सेवक हो जाते हैं, परमेश्वर की संतान हो जाते हैं. He will guide you and he will supply your needs. वो आपका मार्गदर्शन करेगा और आपकी जरूरतें पूरी करेगा. He will be your master. और वो आपका स्वामी हो जाएगा. And you cannot have a better master than that. और आप इससे बेहतर स्वामी कभी नहीं पा सकते हैं. The creator of the heavens and the earth will be your master. आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपका स्वामी हो जाएगा. Have you become a servant of God? क्या आप परमेश्वर के दास हो गए हैं? Or are you a child of God? Have you accepted Jesus Christ? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है? If not, do it now. अगर नहीं तो अभी आप कीजिए. And experience his direction. और उसके मार्गदर्शन का आप अनुभव करते चले जाएं. And experience his supply. और उसके स्रोतों का आप अनुभव करते चले जाएं. Will you pray with me? क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? Lord Jesus. ये कहे प्रभु यीशु. I am a sinner. मैं एक पापी हूँ. I know that you are the Son of God. मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है. That you died on the cross for my sins. और तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया. You shed your blood for me. तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया. You rose again on the third day. और तीसरे दिन तू फिर से मुर्दों में से जी उठा. I ask you to forgive me and come into my heart. और मैं तुझसे मांगता हूँ कि तू मुझे क्षमा कर और मेरे दिल में आ जा. Make me your child. और मुझे अपनी संतान बना. I want to serve you from today. मैं आज से आगे तेरी सेवा करना चाहता हूँ. I want to walk with you. मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ. All the rest of my life. अपने पूरे जीवन भर. In Jesus name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ. Amen. Amen. Father Lord, I pray for those who are sick. पिता परमेश्वर, बीमार लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. I rebuke every sickness in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में मैं हर एक बीमारी को इस समय डांटता हूँ. I speak the healing of the Lord into your body. और मैं परमेश्वर की चंगाई को इनके शरीर में इस समय कहता हूँ. Be healed in Jesus name. यीशु के नाम में चंगी हो जाए. Jesus name I pray. यीशु के नाम में मांगते हैं. Amen. Amen.